अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मारो खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एपिस्टोसिस की हम डेफिनेशन कर लेंगे और हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये चैप्टर 23 इनहेरिटेंस है और इस चैप्टर को मैंने जल्दी कम्प्लीट करना है इंशाल्लाह। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपके सराउंडिंग में है, इसकी एग्जाम्पल्स आपने बहुत दफ़ा इनको देखा होगा, इनको जज किया होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट कहते हैं। आपको पता चल रहा है कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट, लाइक वेरी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता पर्सन टू पर्सन। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं आपको समझ आ जाएगी। ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट अगर आपने देखी हो तो ये नहीं होता कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइट के होंगे, बहुत लंबे होंगे और कुछ लोग बहुत छोटे होंगे। हर तरीके की हाइट होती है, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये क्या है, ये वेरिएबिलिटी है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है ह्यूमन हाइट। अगर ह्यूमन स्किन कलर की बात करें तो ह्यूमन स्किन कलर में ये नहीं होता कि कुछ पर्सन का डार्क होगा और कुछ पर्सन का 50-50% होगा कि वाइट होगा, नहीं, नॉर्मल कलर भी होता है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ना, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड, इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस में भी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डम होंगे, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल भी होते हैं, एवरेज होते हैं। तो ये क्या है, ये वेरिएबिलिटी है, वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं। वो ट्रेड जो कंट्रोल होता है टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड। और जीन की बात कर रही हूँ, अगर मैं एलील्स की बात करूँगी तो वो पे 4 और मोर देन 4 एलील्स की बात होगी। ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है इसको कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, इसकी वेरिएबिलिटी होती है। ये नहीं होता कि दो तरीके के लोग पाए जाएंगे, या तो स्किन कलर की बात करें तो वो डार्क कलर है और कुछ का वाइट कलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज नॉर्मल सब कलर का होता है। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड। आप अपने सराउंडिंग में देखें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो आपने ऑब्जर्व करी हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन में ही देखी जाती हैं, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में नंबर ऑफ़ फ्रूट्स, अगर हम कलर ऑफ़ फ्रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स की बात करें, नंबर ऑफ़ सीड्स की बात करें, तो वो जो ये प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी वेरिएबल है, इसमें भी आपको वेरिएबिलिटी नज़र आती है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ना, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड क्योंकि इसमें मल्टीपल एलील्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम अब बात करें क्वांटिटी ऑफ मिल्क की, मीट की, एग्स की, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल्स, ये भी एग्जांपल है पॉलीजेनिक ट्रेट्स की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, क्योंकि ये भी वेरी कर रही है। ये होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो कंट्रोल हो रही होती है टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स, जो मैनिफेस्ट करती है देमसेल्व्स को इन एडिटिव मैनर टू यील्ड वेरिएबल फिनोटाइप्स, फिजिकल अपीयरेंस, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। यहाँ पे सिर्फ इस चार्ट में ये बताया हुआ है कि जैसे कि टॉल है, डार्फ है, मल्टीपल ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर्स होता है और एबीओ ब्लड ग्रुप है, तो ये जो ये ट्रेड्स है ना, ये कंट्रोल होते हैं वन जीन से जो प्रेजेंट है वन जीन लोकस पे। लोकस क्या है, पोजीशन है जिसपे क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे ट्रेड कंट्रोल हो रहे हैं वन जीन से, जबकि अगर हम मल्टीपल एलील्स की बात करें तो मल्टीपल एलील्स में बहुत सारी एलील्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें से वन जीन प्रेजेंट नहीं होती, उसमें टू जीन्स, थ्री जीन्स ऐसे इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ है कि कुछ ट्रेड्स कंट्रोल होते हैं मैनी जीन से जो लोकेट हो रही होती हैं डिफरेंट लोसाई पे, लोसाई पोजिशन हैं, सिंगुलर लोसाई होता है और प्लूलर लोकस होता है। ये ट्रेड्स होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टोसिस की बात करें तो एपिस्टोसिस निकला है एपी से, जिसका मतलब अबव होता है, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप। तो ये एपिस्टोसिस है, एपिस्टोसिस वो ट्रेड होता है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट जीन्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकस। आपकी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, कोट कलर दिया हुआ है डॉग्स का, उसमें जो कोट कलर होता है ना वो इन्वॉल्व है ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। येलो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, बट फिर भी क्या होता है कि ये जो ब्लैक और ब्राउन कोट कलर है ना, ये कंट्रोल कर रहा होता है अनदर जीन को जो लोकेट है डिफरेंट लोकस पे, लाइक येलो को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये आप एग्जांपल्स में देखेंगे अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं एपिस्टोसिस। एपिस्टोसिस स्टैंडिंग और स्टॉप का मतलब होता है, इन दिस फिनोमेना नॉन जीन लोकस अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल जीन व्हिच इज इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड।
ये कंफ्यूज नहीं करिएगा डोमिनेंट और रिसेसिव से। याद रखें डोमिनेंट और रिसेसिव में एक ही जीन होती है, वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होती है, उसकी पोजीशन सेम होती है। बट एपिस्टोसिस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिस्टोसिस में आप इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये डोमिनेंट और रिसेसिव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डोमिनेंट और रिसेसिव एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे एपिस्टोसिस की बात कर रहे हैं, वो जीन जो अल्टर करती है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन जो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यहाँ पे कुछ ट्रेट्स हैं जिनकी एग्जाम्पल दी हुई है डिटेल में। तो वो वीट ग्रेन्स कलर है प्लांट्स में और स्किन कलर है ह्यूमंस का, तो वो देख लेते हैं। डिस्कस हम कर चुके हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट को, वो क्या होता है और ये कैसे कंट्रोल होता है। मोर देन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन्स इसको कंट्रोल कर रही होती हैं, फोर और मोर देन फोर एलील्स कंट्रोल कर रही होती हैं। ये ईच जीन ऑफ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पास कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ऑन द करेक्टर। इसको हम देखेंगे कि क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आगे होते क्या हैं। स्किन कलर इन एनिमल्स और वीट ग्रीन कलर इन प्लांट्स। याद रखें कि इसमें बहुत सारी एलील्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली आपको जब डिफरेंट वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है तो इसकी वजह यही है कि बहुत सारी जीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ एक दो तरीके की जीन्स इन्वॉल्व होंगी, उसकी वजह से फिर वेरिएबिलिटी तो नज़र नहीं आ सकती। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे वीट कलर का बताया हुआ है कि वेरी कर रहा होता है फ्रॉम वाइट टू डार्क रेड। जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो आपको जो फेनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल दिखेगा। जैसे आप पहले देखें, अगर आप वाइट फ्लावर को और डार्क रेड फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं तो वो आपको याद होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ऐसे ही किया था और उसमें जो रिजल्ट आया था अपन जनरेशन में प्लांट्स, वो पिंक कलर के थे। एंड देन फिर हमने उसको पिंक कलर को लाइक सेल्फ फर्टिलाइज करवाया था और उसके बाद हमें F2 जनरेशन में वन रेड मिला था, वन वाइट पेरेंट्स की तरीके का और दो पिंक मिले थे। तो ये क्या था, ये वेरिएबिलिटी थी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही है। F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं कुछ लाइट रेड ग्रेन्स एंड देन फिर जब हम इसके सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें F2 जनरेशन में एग्जैक्टली 7 शेड्स ऑफ कलर दिखते हैं। द रेशियो ऑफ 1 डार्क रेड, 6 मॉडरेट डार्क रेड होते हैं, 15 रेड होते हैं, 20 लाइट रेड होते हैं, 15 पिंक होते हैं, 6 लाइट पिंक होते हैं, 1 वाइट होता है। तो ये जो चार्ट में हमें बताया हुआ है, ये फिजिकल अपीयरेंस F2 जनरेशन में आई है। F1 जनरेशन में वो कुछ आपको देख सकते हैं कि डार्क रेड की जगह हमें कुछ वाइट और डार्क का ब्लंडर मिला था, कि वो ब्लेंड हो गए थे। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ना, इसको वीट ग्रेन्स बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि फाउंड होता है कि ग्रेन कंट्रोल होते हैं बाय 3 डिफरेंट जीन्स पेयर से, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, के डिफरेंट डिफरेंट लोकस। ईच इंडिविजुअल वुड कंटेन 6 एलील्स फॉर दिस ट्रेट। लाइक आप देख सकते हैं 6 ही एलील्स है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये क्या है, 6 एलील्स हैं। लेकिन जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है ना, ये कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करती, इसका कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता और इसकी वजह से ये वाइट शो होते हैं। जबकि जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डार्क रेड ग्रेन्स को। अगर हम इन सबको मिला दें तो वो फिर हमें एक ब्लेंडिंग मिल जाती है जो लाइट रेड होती है। अगर जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी हो तो वो फिर प्रोड्यूस नहीं करते किसी भी रेड कलर को और वो फिर हमें वाइट दिखते हैं, वाइट शो होते हैं। तो इट वॉज फाउंड दैट ऑल द 6 एलील्स कोड फॉर रेड पिगमेंट कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कलर ऑफ ग्रेन्स विल बी डार्क रेड। मतलब अभी आप पीछे पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग टर्न करते हैं पेज को, मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखें, जितनी ज़्यादा कैपिटल जीनोटाइप होगा उतना ज़्यादा रेड कलर आपको डोमिनेंट नज़र आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल ए था, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सब जीनोटाइप लाइक आपको दिख रहा है ना, फिजिकल अपीयरेंस तो डार्क रेड होगी। डार्क रेड का क्या मतलब है कि इनकी जो जीनोटाइप था इनका वो कैपिटल था, उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, शो किया है। अब अगर हम बात करें वाइट की, तो वाइट का ये मतलब है कि वाइट ग्रेन्स जब होगा, कलर ऑफ ग्रेन्स जब वाइट होगा, जब जीनोटाइप स्मॉल होना चाहिए, लाइक स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, ये क्या है, ये जीनोटाइप बिल्कुल रिसेसिव है।
अब अगर हम बात करें ग्रीन और वाइट यहाँ पे एलील्स की बात करें कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट एलील हो, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए बताया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल बी या कैपिटल सी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एलील है, तो इसका मतलब है कि वो लाइट पिंक होगा। अगर प्लांट के पास टू एलील्स हो कैपिटल, जैसे कि कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी, या फिर कैपिटल ए और कैपिटल सी, सो यहाँ पे जो ग्रेन ऑफ कलर होगा वो पिंक होगा, क्योंकि वो लाइट पिंक नहीं रहा, वो थोड़ा सा पिंक ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम बात करें सेम वे में फॉर द एलील्स ऑफ, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी दिया हुआ है, तो वो फिर एक्सप्रेस करेगा रेड, और फाइव डोमिनेंट एलील्स एक्सप्रेस करती हैं कि जो फिनोटाइप होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगी, वो मॉडरेट डार्क रेड ग्रेन्स होंगी। और अगर फिनोटाइप ये सब के सब रेड होंगे तो वो फिर हमें पता है कि वो डार्क मैरून कलर आपको दिख रहा होगा, डार्क रेड कलर दिख रहा होगा। तो ये जीनोटाइप होते हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। जितनी ज़्यादा कैपिटल जीनोटाइप होगा, उतनी ज़्यादा जो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होगी वो डार्क होगी। आई होप समझ आ गए होंगे जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये एक्सप्रेशन है जीन्स की, इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, लाइक वाटर से, न्यूट्रिएंट्स से, लाइट से। स्किन कलर की बात करें तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होता है। अगर पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है हाई क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन तो उसका जो स्किन कलर होगा वो उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। जितना ज़्यादा मेलेनिन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा मेलेनिन उतना ज़्यादा स्किन कलर डार्क। अब यहाँ पे ट्रेट कंट्रोल होता है 3 to 6 जीन पेयर से, हम ये कह सकते हैं कि 4 or more than 4 एलील से। ग्रेटर द नंबर ऑफ मेलेनिन द ग्रेटर द प्रोड्यूसिंग डार्क, ये ग्रेटर द नंबर ऑफ मेलेनिन प्रोड्यूसिंग जीन डार्कर विल बी द स्किन कलर। तो ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे स्किन कलर कहाँ है, वेरी लाइट, ये मीडियम है जिसको मोलेटो कहते हैं, और ये फिर वेरी डार्क है। तो ये है पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। अब यहाँ पे जीन ए जीन बी और जीन सी के बारे में बताया हुआ है। जीन ए रिस्पॉन्सिबल है फॉर परमानेंट सर्वाइवल और माइग्रेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स, जबकि जीन बी रिस्पॉन्सिबल होता है एक इंजाइम होता है टायरोसिनेज, ये टायरोसिनेज एज आ रहा है तो आप खुद भी देख सकते हैं इंजाइम है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वॉल्व करता है कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन को मेलेनिन में, ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइज ऑफ मेलेनिन, जितना ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा स्किन का कलर डार्क होगा। जबकि जो जीन सी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिटरमाइनेशन ऑफ आइदर प्रॉपर ब्लैक और डार्क ब्राउन टाइप ऑफ मेलेनिन, लाइक ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं रेड ब्राउन टाइप ऑफ मेलेनिन को, जिसकी वजह से फिनोमेलेनिन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जो वेरिएबिलिटी है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही सिमिलर बात है जैसे वीट ग्रेन्स की बात करी थी हमने कि 7 डिफरेंट शेड्स होते हैं स्किन कलर के, रेंजिंग होती है वेरी लाइट से वेरी डार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट की तरह का ही इनका फिन जीनोटाइप है, और फिजिकल अपीयरेंस तो आपको वेरी लाइट दिख रही है। मोस्टली ह्यूमन बींग्स के पास कुछ इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है जिसको हम मुलेटो कहते हैं, अगर हम दोनों को वेरी लाइट को और वेरी डार्क को क्रॉस करवाएंगे ना तो वो फिर आपको ये वाला जीनोटाइप मिलेगा, जेनेटिक मेकअप आपको ये मिलेगा, और उसकी वजह से हम जो ये इंटरमीडिएट स्किन कलर होता है ह्यूमन का उसको हम कहते हैं मुलेटो। एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ इंटरमीडिएट स्किन कलर बिलोंग्स टू वाइट एंड ब्लैक पेरेंट। When individual of mulatto cross with each other, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, जब आप इसको cross करवाएंगे with each other तो आपको 8 different types of genotype मिलेंगे, और उसकी वजह से आगे जब आप इसको cross करवाएंगे तो वो फिर आपको 8 × 8 = 64, तो आपको 64 genotype मिलते हैं। तो ये होती है formation कि 7 colors produce हो रहे हैं, variability है, 7 different shades मिल रहे हैं आपको skin में। Fertilized, there will be 64 chances of zygote formation by which offspring of 7 colors can be produced. यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि each of the above, capital A, capital B, capital C has 2 forms. The darker skin alleles are represented by capital letters or light skin alleles are represented by small letters. ये alleles completely dominant नहीं होती एक दूसरे के ऊपर, like heterozygous condition में ये exhibit करती है intermediate phenotype, physical appearance intermediate होती है जिसको हम क्या कहते हैं mulatto कहते हैं। Incomplete dominance भी बिल्कुल exactly same ही थी, लाइक आप याद करें हमने प्लांट में फ्लावर कलर को क्रॉस करवाया था, एक रेड था और एक वाइट था, जब हमने क्रॉस करवाया था तो वो फिर हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला था वो उसका कलर था पिंक। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताया हुआ है कि हेट्रोसाइकस कंडीशन में एग्जिबिट करता है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस इंटरमीडिएट होती है, एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द जीन स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एक्ट एज लाइट स्किन एलील्स इन द जीनोटाइप दे इनहिबिट मेलेनिन प्रोडक्शन।
तो आई होप समझ आ गया होगा ये होता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन। मुझे एग्जांपल ज़रूर बताइएगा सोच के कि आपके सराउंडिंग में कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वेरिएबल हैं जो शो करती हैं कंटिन्यूसली वेरिएशन। बाकी ये बहुत इजी टॉपिक था पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल बस जीनोटाइप याद रखिएगा कि कैपिटल हमेशा यूज होते हैं फॉर डार्कन स्किन एलील्स और कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट हम करते हैं और जो स्किन कलर होता है लाइट स्किन कलर वो एलील्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपिस्टोसिस करवाऊंगी। एपिस्टोसिस में कलर पिगमेंटेशन दी हुई है और कोड कलर दिया हुआ है। सो दैट्स इट। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।